प्रयागराज के दौरे पर गए पीएम ने बमरौली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। वहां अंदाबा की एक रैली में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला और पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए कि उसने न्यायपालिका को धमकाने का काम किया। इनका व्यवहार, इनकी साजिशें बार बार ये साबित कर रही है, ये खुद को देश, लोकतंत्र, न्यायपालिका और यहाँ तक कि लोगों के भी ऊपर समझते हैं। यही नहीं, पीएम ने रैली में मौजूद लोगों से कांग्रेस पार्टी से सावधान रहने की भी अपील की। सतर्क रहिए, ऐसे लोगों से, ऐसे दल से कांग्रेस का इतिहास जितना शाह है, वर्तमान उतना ही कलंकी। पीएम ने कांग्रेस की सोच को राजशाही सोच करार दिया और आरोप लगाया कि जो उनके इशारों पर नहीं चले उन्हें बर्बाद कर दिया गया। लेकिन इससे पहले पीएम ने प्रयागराज में होने वाले कुंभ की तैयारियों का भी जायजा लिया। पीएम के साथ यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ के लिए बनाए गए कमांड और कंट्रोल सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ की कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद वो कमांड सेंटर के अंदर गए और वहां लगी बड़ी स्क्रीन पर तैयारियों से जुड़ी जानकारियों को देखा। वहां मौजूद अधिकारियों ने भी पीएम को कुंभ की तैयारियों के बारे में बताया। इसके बाद पीएम गंगा नदी के किनारे पहुंचे, जहां मंत्रोच्चार के बीच उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। पीएम ने गंगा नदी के किनारे बैठकर पूरे विधि विधान से गंगा की पूजा की। इस बीच उनके साथ वहां यूपी के राज्यपाल और सीएम योगी ने भी गंगा की पूजा की। पूजा खत्म होने के बाद पीएम ने गंगा आरती की। अंतर वेद शास्त्र सुचि महिमा सत्य काम धयनी। गंगा आरती करने के बाद पीएम ने राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी के साथ कुंभ मेले के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पीएम का प्रयागराज दौरा यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने प्रयागराज के लोगों को एक और तोहफा दिया और ये तोहफा बमरौली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का था। पीएम के वहां पहुंचने पर सबसे पहले एक वीडियो के जरिए नए टर्मिनल की खासियत को दिखाया गया। इसके बाद पीएम ने बमरौली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। वहां भी पीएम ने शहरों में कांग्रेस पर हमला बोला। हमारे देश में कोई सोच ही नहीं सकता है कि इतनी तेजी से काम हो भी सकता है, क्योंकि हमें वो पुरानी आदत लगी हुई है। लेकिन सरकार बदलती है तो कैसे व्यवस्थाएं बदलती है, उसका ये नमूना है। पीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार की योजनाओं से भारत दुनिया में एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। वियतनाम में तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ने के बाद सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया। हादसे वाली जगह से कुछ दूर खड़ा एक कार का ड्राइवर इस हादसे का चश्मदीद बन गया। जो पार्किंग की तलाश में भटक रहा था, उसकी कार में लगा कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वो कार मोड़कर मुख्य सड़क पर आ गया। वहाँ भी पार्किंग की जगह नहीं थी, क्योंकि सड़क के किनारे पर कई कारें पहले से ही खड़ी थीं। वहीं खड़ी एक कार के दाईं ओर अपने बच्चे के साथ मौजूद एक महिला कुछ कर रही थी। तभी एक कार धीरे से उसके पास से आगे बढ़ी। इसी वक्त सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता दिखा। पास आते ही वो अचानक बाईं तरफ घूम गया। ट्रक ने जैसे ही डिवाइडर को तोड़ा, आगे वाली कार सड़क पर ही रुक गई। महिला अपने बच्चे को लेकर भागी, लेकिन पलक झपकते ही वो ट्रक उसकी कार के बिल्कुल पास पहुंच गया। उस भारी भरकम ट्रक ने वहां खड़ी गाड़ियों को रौंद दिया। जो कार सड़क पर रुक गई थी, वो भी ट्रक के झटके से छिटक गई। लेकिन महिला ने गजब की फुर्ती दिखाई। जब तक ट्रक उसकी कार को रौंदता, वो भागकर उसकी जद से दूर निकल गई। महज कुछ मीटर के फासले से महिला और उसके बच्चे की जान बच गई। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने पूर्व सीएम एम करुणानिधि की प्रतिमा अनावरण के मौके पर राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम पद उम्मीदवार बनाने की वकालत की। चेन्नई में हुए कार्यक्रम में सोनिया, राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे, जिसमें डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने विपक्ष के नेताओं से 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया। आई प्रपोज वी विल इंस्टॉल ए न्यू प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, वी विल ए न्यू इंडिया as a son of the Thalaivar Kalaignar, I propose the candidature of Rahul Gandhi from Tamil Nadu. जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने करुणानिधि की तारीफ करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। Today we have a government that is attacking the voice of Tamil Nadu, the culture of Tamil Nadu, the institutions of Tamil Nadu and the institutions of our country. साथ ही विपक्ष के नेताओं ने करुणानिधि की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर मंच साझा कर बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया।